हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे, सेकंड डे ऑफ अमृतसर। और आज हम अमृतसर में हैं, तो समय जो हुआ है वो 11 बज चुके हैं पूरे, और अब हम निकल पड़े हैं गोल्डन टेंपल के लिए, और इसके बाद जाएंगे हम जलियांवाला बाग। तो अभी ये दो प्रोग्राम हमारे फिक्स हैं, उसके बाद जाए हम कितने बजे फ्री होते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ। तो आज हमारे साथ बने रहिए गोल्डन टेंपल के लिए, और पीछे हमारी गाड़ी है तो चलते हैं अभी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल को देखने, और ये है पार्टीशन म्यूज़ियम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है पार्टीशन म्यूज़ियम। चलो भाई जल्दी करो, कोई आ रहा है। और ये एंट्री गेट है। तो अभी हम चलते हैं गोल्डन टेंपल, और मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये मिस्टर प्रदीप है, ते है साढ़े भरा जी, इन्हों देखो पग बंध रहे हैं बड़ी शानदार, ते इन्होंने इधर हमने पग बंधनी शुरू की है। प्रदीप ते है, देखो जी, अरे मैं इनू ना बड़ी एक्साइटमेंट होनी शुरू हो जाती, मैं क्या कर रहे हैं पर सुनेगा थोड़ा ना। हाँ जी, मैं घर वास्ते लैके जाने ने अंदर, वो रुमाला साहब लेना है इधर गेट, थोड़ा जहाँ दिमाग खराब है वो असं ठीक करने हैं उन्हें, तो इंजैक्शन लवाना पैया, पहले डॉक्टर इधर नज़दीक है, इस बंदे ने लैके जाना इंजैक्शन। भोगना भी शुरू करता है ना, कल राती काले कुत्ते ने कटिया सी, चलो कोई गल नहीं, यह बंदा थोड़ा ठीक है, इहदा काम चल रहा है कार्यक्रम। असं दरबार साहब भी बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, बिल्कुल वेरी वेरी नियर टू दरबार साहब। ये मिस्टर बजिंदर है, राजीव जी ने, लुधियाना तो आए हुए ने, यह मिस्टर प्रदीप ने, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲਾਂਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। कौन सा ये चौक, कौन सा कहते हैं मेन चौक है। ये बिल्कुल मेरे सामने है जलियांवाला बाग, और उसी के रास्ते पे है गोल्डन टेंपल। ये सामने देखिए, ये बिल्कुल सामने है जलियांवाला बाग। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, पता नहीं, आप देखते हैं वहाँ खुला है बंद है, और पार्टीशन म्यूज़ियम भी बंद है क्योंकि ड्यू टू रेनोवेशन। और ये दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे, ये देखिए दोनों तरफ देखिए, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, और बहुत ही नीट क्लीन है यहाँ पे, बिल्कुल साफ सफाई है। तो आपको मेरा ये नया लुक कैसे लग रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं ये बहुत ही, मतलब कि कम से कम 100 साल पुरानी शॉप्स हैं यहाँ पे आसपास जितनी भी है। क्यों जी, बिल्कुल ठीक है जी। अभी आपने जो देखी है यहाँ पे, कुल्फ़ी और सॉफ्टी 10 रुपए की मिलती है सिर्फ, जितनी मर्जी खाओ खड़े हो जाओ और यहाँ खाते रहो आप। ये बहुत ही पुरानी शॉप्स हैं यहाँ पे अमृतसर में ये, और ये बहुत फेमस भी हैं, जो भी यहाँ आता है मोस्टली जितनी भी शॉप्स हैं सब पुरानी पुरानी शॉप्स। और ये जहाँ पर जो भी आता है वो कुल्फ़ी 100% खा के जाता है या सॉफ्टी खा के जाता है। अभी हम अपने एक दोस्त के पास जाएंगे जो यहाँ पे सॉफ्टी बेचता है, यहीं कहीं उसने दुकान आगे पीछे करी है, अभी देखते हैं अगर वो मिल जाए तो आपको उसकी दोबारा वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू। तो हम पहुंच गए हैं जूता घर, यहाँ पे अपने सारे शूज़ जमा करा रहे हैं, अपना राजीव भाई गए हैं जूता जमा कराने, और ये इसके बाद हम जाएंगे दरबार के अंदर दर्शन के लिए। और ये चारों तरफ का व्यू मैं दिखा देता हूँ। रश तो है, आज शनिवार है, सैटरडे संडे कहते काफ़ी रश होता है, लेकिन उतना रश नहीं होगा ड्यू टू कोरोना, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो अभी चलते हैं अंदर।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दरबार साहिब। ये मेरे पीछे देखिए गोल्डन टेंपल, और सामने देखिए मीनार, ये सामने देखिए, और ये पूरा हम यहाँ से जाएंगे। और काफ़ी इस टाइम रश तो बहुत है, अब एक दो घंटे में नंबर आएगा हमारा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। दर्शन जरूर करेंगे, अमृतसर आए हैं तो बिल्कुल सच्चे मन से। और आज मौसम बता दूँ, मौसम तो बहुत ही ठंडा है, मतलब कि अभी हम चल रहे हैं फ्लोर पे चल रहे हैं तो कोई गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल गर्म नहीं है, और हमें बिल्कुल नॉर्मल प्लेजेंट मौसम है। जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा किचन है ये, और एक समय पे यहाँ लाखों लोगों को लंगर छकाया जाता है, एक दिन में लाखों लोगों को लंगर छकाया जाता है। और हम भी अब लंगर हाल में एंटर कर रहे हैं, ये देखिए अब अंदर जा रहे हैं। ये हमारी पहली प्लेट है और ये मेरे सामने है लंगर हॉल। हमने अपने जितना भी सामान था वो क्लॉक रूम में जमा करा दिया है, और प्रसादा लेके हमने कड़ा प्रसादा लिया था वो चढ़ा दिया है। और ये पीछे लाइन लगी हुई है दरबार साहब के लिए, और काफ़ी लंबी लाइन है ये देखिए, तकरीबन वो मोर देन 1 आवर लगने वाला हमें अंदर दर्शन के लिए, तो अभी लाइन में जा रहे हैं लगने। ये देखिए सामने पूरी लाइन लगी हुई है, तो अभी अंदर चलते हैं। लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो गए हमें लाइन में लगे हुए, और बिल्कुल दरबार के गेट पे पहुंच चुके हैं, ये सामने देखिए। और हमें अभी और आधा घंटा लगेगा, और परिक्रमा करेंगे और दर्शन करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब के, मत्था टेकेंगे, फिर हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। गाइस हमने हरमिंदर साहब के दर्शन कर लिए हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है हरमिंदर साहब गुरुद्वारा, जिसको गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है, और साथ में है सरोवर। तो हमारे दर्शन हो गए पूरे, हम 1:45 पे हमने लाइन में स्टार्ट किया था लगना, और लगभग अब 4 बज चुके हैं, और हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अटारी बॉर्डर, तो चलते हैं अब सीधा अटारी बॉर्डर। तो गाइस अभी हम आए हैं अमृतसरी स्पेशल मटका कुल्फी खाने, और ये है पीछे मटका कुल्फी मिलती है, और सॉफ्टी मिलती है, और प्लेन कुल्फी मिलती है। ये है अमृतसरी स्पेशल कुल्फी, और यहाँ पे लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं, और बिल्कुल सौंदर्यकरण हो चुका है इस पूरे रास्ते का, बहुत ही खूबसूरत है। हम जलियांवाला बाग के गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं, और ये पूरी देखिए अभी बंद पड़ा है ड्यू टू रेनोवेशन, यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, और बिल्कुल एंट्री बंद कर रखी है, तो हम इस बार भी मिस कर रहे हैं जलियांवाला बाग। नेक्स्ट टाइम जब पूरा रेनोवेट होगा फिर मैं स्पेशल आऊँगा इसको देखने। ये देखिए सामने देखिए, यहाँ की जुत्ती, अब हम एक शॉप पे जा रहे हैं, शॉप का नाम है टी टू पंजाबी जुत्ती, टी टू पंजाबी जुत्ती, लेट अस हैव
ਹਿਲਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਇਨਸਾਈਡ ਫਿਰ ਇਨਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ ਕੀ ਵੀ ਦੇਰ ਆਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अटारी बॉर्डर और यहां से अटारी बॉर्डर है 24 किलोमीटर और आधा घंटे का समय हमें लगेगा जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन है उसके बाद सीधा लाहौर जाती है वो ट्रेन वो इंडिया का लास्ट स्टेशन है 200 मीटर के बाद 200 मीटर के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है तो वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं और हम सब जा रहे हैं ये है सूरी जी और पीछे राजीव जी और डबा जी ये मैं हूँ ये मेरे दोस्त हैं और हम जा रहे हैं पाकिस्तान के पास अटारी बॉर्डर जो बोले सो निहाल श्री अकाल हमने अभी अटारी जो विलेज है उसको क्रॉस किया है और अटारी बॉर्डर आ गया है और सामने हमें दो फ्लैग नजर आ रहे हैं इंडिया का और पाकिस्तान का फ्लैग रेलवे स्टेशन राइट और रेलवे स्टेशन आपको राइट जाना पड़ेगा अटारी बॉर्डर के लिए सीधा जाना पड़ेगा इस्लामाबाद 322 किलोमीटर है और लाहौर 24 किलोमीटर सर आप पाकिस्तान जाएंगे सारे ट्रक ये माल लद के खड़े हैं आगे नहीं जाएगी। तो गाइस हम हैं अटारी बॉर्डर पे मैं अभी पीछे दिखाता हूँ ये देखिए पीछे बोर्ड है लाहौर 24 किलोमीटर और जो हमारा बॉर्डर है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है लेकिन अंदर अभी जाने अलाउड नहीं है ड्यू टू कोविड सब बंद कर रखा है तो ये सामने देखिए बिल्कुल अटारी बॉर्डर ये सामने फ्लैग्स लगे हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हमें अटारी बॉर्डर पे ये पीछे देखिए बिल्कुल अटारी बॉर्डर है यहाँ से 1 किलोमीटर है जीरो लाइन एक कॉमन पॉइंट है तो वो आजकल कोविड के चक्कर में बिल्कुल बंद करके एंट्री जाने की और कहते हैं कि किसी समय यहाँ लाख लाख लोग आते थे और अब एक भी लोग नहीं आते तो यहाँ का सारा बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है और यहाँ से लाहौर जो डिस्टेंस है लाहौर का वो 24 किलोमीटर है और ये मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ आपको ये देखिए तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अटारी के रेलवे स्टेशन पे तो ये इंडिया पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो लाहौर रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पीछे ये पटरियाँ हैं रेल की और मेरे बिल्कुल सीधा जाएंगे तो लाहौर आ जाता है 24 किलोमीटर बाद और इस तरफ आता है अमृतसर और ये है वेटिंग हॉल यहाँ पे वेटिंग होती है नीचे चेयर्स लगी हुई हैं और ये सामने देखिए ये ब्रिज है परली तरफ जाने के लिए यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होती है पहले और वीज़ा पासपोर्ट चेक होता है उसके बाद ही आगे जाने दिया जाता है बहुत ही पुराना अटारी रेलवे स्टेशन है तकरीबन ये पार्टीशन के टाइम से भी पहले का स्टेशन है यहाँ से लाहौर पहले सीधी रेलवे जाती थी ये देखिए सामने वो हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है चलते हैं अब वापसी अपने अमृतसर तो गाइस आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल और अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड सेफ वंदे मातरम एंड जय हिंद सायोनारा